नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है पेंशन स्कीम के ऊपर में है। 2004 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और उन्हें एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया था। तो तभी से एम्प्लॉयज काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें पेंशन दी जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो इसे बाद में कहा गया और एनपीएस से अलग चीज हो गई और ओपीएस थी पुरानी पेंशन जैसा कि पहले दी जाती थी उस तरह की पेंशन दी जाए। तो बहुत सारी कर्मचारी यूनियन इसमें संघर्ष कर रही थी और हर बार ये मुद्दा बनता था और इस बार ऑपोजिशन ने इसको मुद्दा बनाया। बहुत प्रेशर पड़ा सरकार पे और सरकार को इसका सेटबैक हुआ। तो सरकार को लगा कि शायद आने वाले समय में ये पेंशन स्कीम हमारे लिए, अगर हम इसमें कुछ नहीं करते हैं तो घाटे वाला सौदा होगा और सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी, यानी ओपीएस देने की बजाय यूपीएस लॉन्च कर दी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तकरीबन 23 लाख एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होगी और एनपीएस से इसमें शिफ्ट होने का भी प्रोविजन है। अब देखना यह है कि क्या इससे फायदा होगा, जो एनपीएस में फायदा था वो भी चला जाएगा, या इससे का कोई फायदा होगा, या ओपीएस इससे बेटर थी। अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, पर जो सामने चीजें आई हैं तो काफी डिफरेंस है। सरकार ने एक तरह से ओपीएस से, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से, पल्ला झाड़ने की कोशिश करी है क्योंकि उसमें सरकार को काफी लॉस होता था, उसमें कोई फंडिंग नहीं थी जिसके कारण जो सरकार का बजट है पेंशन का वो बढ़ता रहता था। हालांकि यूनियंस ने काफी प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर भी, कर भी रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये ऑप्शनल है। कुछ स्टेट्स ने ओपीएस लागू भी कर दिया है जहां जहां पे दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है, जहां इलेक्शन आने वाली है, जैसे यूपी में भी ओपीएस अनाउंस कर दी गई है। अब यूपीएस के बाद ओपीएस का क्या बनेगा, तो यूपीएस ओपीएस और एनपीएस के झमेले में लोग बिल्कुल लिटरली कंफ्यूज हैं। तो आज हम आपको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि क्या फर्क है इन तीनों स्कीम्स में और किस में क्या बेनिफिट मिलेगा। हालांकि सरकार लोगों की पेंशन पे तो कुल्हाड़ी चलाती है, पेंशन बंद कर दी, ओपीएस बंद कर दी, एनपीएस बंद कर दी, पर जो एमपी एमएलए अभी भी ओपीएस में है, तो सबसे पहले सरकार को अगर ये स्कीम बहुत अच्छी है तो अपने एमपी एमएलए के ऊपर में लागू करनी चाहिए और वो आगे आके खुद एक्सेप्ट करें कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं और इसके हिसाब से हम भी अपनी पेंशन इसी के हिसाब से लेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, ऐसा होगा नहीं। मैं आपको एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के कुछ डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेंशन की एलिजिबिलिटी। तो जो यूपीएस है इसमें आपको 25 साल बाद पेंशन मिलेगी, हालांकि जो ओपीएस थी उसमें 20 साल के बाद आप अपनी पेंशन ले सकते थे। अब कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बेसिक पेंशन कैलकुलेट करी जाएगी पिछले 12 महीने की और उसके हिसाब से आपको जो पेंशन है 50% उसकी वर्कआउट करी जाएगी अगर आपकी 25 साल सर्विस हो गई है। तो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे उसमें आपकी जो बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट, बेसिक प्लस डीए की 50% पिछले 12 माह की एवरेज निकाल के उसके हिसाब से पेंशन फिक्स होती थी। तो इसमें डीए इंक्लूडेड नहीं है जब पेंशन वर्कआउट होगी। हालांकि डीएनएस अलाउंस उसे एंड में कुछ दिया जाएगा जैसा कि अभी मिलता है, तो वो किस तरह से कैलकुलेशन करके उसको कंपनसेट करेंगे, पर पेंशन की कैलकुलेशन में यही कैलकुलेशन रहेगी कि बेसिक की जो एवरेज है निकाली जाएगी 12 माह की और उसके हिसाब से 50% पेंशन दी जाएगी अगर 25 साल सर्विस करी है। तो इसमें एक चीज जो लास्ट एक दो महीने में जैसे जिनकी प्रमोशन हुई है और उनकी सैलरी बढ़ गई है, बेसिक बढ़ गई है, तो उन्हें एक बड़ा घाटा होने वाला है क्योंकि एवरेज 12 महीनों की निकाली जाएगी ना कि लास्ट पे ड्रॉन की, जबकि ओपीएस में ये एवरेज निकाली जाती थी लास्ट पे ड्रॉन की। तो डिफरेंस यहाँ पे काफी पड़ेगा और दूसरा डीए में पड़ेगा। एनपीएस में इस तरह की कोई जो गारंटी नहीं थी। ये स्कीम 1 अप्रैल 25 से लागू होगी और पुराने एनपीएस के धारक भी हैं वो भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो पैसा बनेगा उसको ब्याज सहित उसमें ऐड करने के बाद आपको जो नई यूपीएस स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। अब एक और मेजर डिफरेंस है ओपीएस और ये एनपीएस और यूपीएस में। ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय नहीं करता था, यूपीएस में
कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, और एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन जो है कर्मचारी करता था, 14% सरकार करती थी। अब यहाँ पे कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये एक फंड, पेंशन फंड हो जाएगा जिसमें से उसको पेंशन दी जाएगी। तो एम्प्लॉयज को भी 10% कंट्रीब्यूशन पेंशन लेने के लिए जो यूपीएस है उसमें करनी पड़ेगी, और पुरानी पेंशन की ओपीएस जैसे मैं कहूंगा उसमें ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को 60% पेंशन मिलेगी, पहले भी ओपीएस में भी यही था, तो अभी भी उसके हिसाब से 60% पेंशन मिलेगी, कोई उसमें चेंज नहीं है, और एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ग्रेच्युटी जो पहले मिलती थी उसको किस तरह वर्कआउट किया जाएगा? अब जो यूपीएस में है, हर जो 1/10 जो है, हर 6 महीने की नौकरी पे जो तनख्वाह मिलती थी उसका 10वां हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा ग्रेच्युटी में। एक चीज इसमें और है कि अगर जो एम्प्लॉई 25 साल सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन उसके हिसाब से कम हो जाएगी। 10 साल नौकरी करके जाने वाले एम्प्लॉयज को मिनिमम जो है 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर ओपीएस के हिसाब से वर्कआउट करें तो ये तकरीबन 9,000 बनती थी। हालांकि इसमें कुछ इन्फ्लेशन इंडेक्स भी वर्कआउट किया जाएगा, पर पेंशन अगर 25 साल सर्विस नहीं करेंगे तो पूरी नहीं मिलेगी, 50% नहीं मिलेगी, प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। पहले ये आंकड़ा 20 साल था कि आपको पूरी पेंशन मिल सकती थी, अब वो बढ़ा के 25 साल कर दिया गया है। इसमें एक नुकसान वो उन लोगों को होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जैसे रिजर्वेशन है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन होती है, तो कई लोग 30-35 की उम्र में नौकरी में आते हैं तो उनकी 25 साल सर्विस शायद 60 ईयर्स होने तक नहीं बनेगी, तो उन्हें भी पेंशन में कुछ ना कुछ लॉस उठाना पड़ेगा। एक टैक्स बेनिफिट भी इसमें जो पहले था कि जो सरकार कंट्रीब्यूट करती थी उसको भी आप टैक्स बेनिफिट में ले सकते थे, अब वो निकाल दिया गया है, तो उस पर आपको कोई टैक्सेशन का बेनिफिट जो पुराना एनपीएस में आपको मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, कुछ लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते थे, मेरे जैसे लोग, मैंने सेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जिसे सिविल में वीआरएस कहते हैं वो लिया था। तो अब वीआरएस में एक बड़ा पेच इसमें डाल दिया गया है, आपको पेंशन तो मिलेगी पर आपकी पेंशन जिस दिन आपने वीआरएस ली है उस दिन से नहीं शुरू होगी, जब आप 60 की उम्र में पहुंचेंगे तब आपकी पेंशन चालू होगी, जब आपके कुलीग जो सर्विस में होंगे वो रिटायर होंगे उनके साथ ही आपकी पेंशन चालू होगी। ये एक बहुत बड़ा धक्का जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जब वीआरएस लेते थे उनके लिए होगा, और इसके कारण जो वीआरएस लेने वालों में बड़ी कमी आएगी, जो लोग अपना रैंक नहीं पा सकते या किसी कारण सर्विस से ना खुश है तो उनको ज्यादा देर पेंशन लेने के लिए सर्व करना पड़ेगा, तो ये एक मुद्दा जो वीआरएस वालों के लिए काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वीआरएस लेके बाहर आएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें कोई नौकरी ढूंढ के अपना गुजारा करना होगा, तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी, 60 साल तक उनको पेंशन का इंतजार करना होगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस जो ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर में आपको डिफरेंस बताए हैं, तो आपको क्या लगता है तो जरूर कमेंट्स में बताइए, और किस तरह से लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। पुराने एम्प्लॉय कितने किसमें शिफ्ट करते हैं ये तो आने वाला समय भी बताएगा, पर ऑपोजिशन के इस मुद्दे को उछालने के कारण कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज के लिए एक पेंशन का जो एनपीएस से मुझे लगता है कि एक बेटर सिस्टम इवॉल्व तो जरूर हुआ है, हालांकि सरकार ने इसमें कुछ घुंडियां डाल दी हैं, और किस तरह से एम्प्लॉयज इसको लेते हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर आपको कोई कमेंट्स हैं कुछ इसके बारे में और जानकारी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम अगली वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।